Hello friend, Assalamu Alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. पढ़ेंगे what is RAD model. Actually हमारे पास जो model होते हैं वो हमने कोई भी सिस्टम बनाना है, सिस्टम को बनाने के लिए जो हम मेथड या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं वो आ जाता है मॉडल में. सेम इसी तरह हमारे पास क्या है, रेड मॉडल. अब रेड मॉडल को हम ये देखें, ये हमारे पास है कि पहले रेड मॉडल है क्या. रेड स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट. ये हमारे पास एक इंक्रीमेंटल मॉडल है. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप की टीम्स बना देते हैं, जैसे टीम वन, टीम टू, इसी तरह टीम थ्री. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइम स्लाइस दे देते हैं और उसके अंदर ये होता है कि हर टीम ने बिजनेस मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन मॉडलिंग और उसके बाद टेस्टिंग एंड टर्नओवर. तो ये सारा काम हर जो भी टीम बनाते हैं वो सब ने करना होता है. ये देखें, ये हमारे पास है कि हमारे पास जो उसके कुछ फेज हैं, बिजनेस मॉडलिंग. बिजनेस मॉडलिंग इसके अंदर हम क्या करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो बिजनेस फंक्शन के लिए यूज़ होनी है वो हम इकट्ठा करते हैं किसने के अंदर, बिजनेस मॉडलिंग के अंदर. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा मॉडलिंग. अब इसके अंदर क्या करते हैं, तमाम डाटा जो कहाँ से, बिजनेस मॉडलिंग से किसके अंदर जाता है, डाटा मॉडलिंग में. तो डाटा मॉडलिंग के अंदर जो भी डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, बिजनेस मॉडलिंग से आएगा. इसी तरह हमारे पास जो भी डाटा मॉडलिंग में होगा वो प्रोसेस मॉडलिंग में जाएगा, इसी तरह एप्लीकेशन में और उसके बाद एंड में. ये इसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ. अब कहते हैं कि हमने रेड मेथडोलॉजी या रेड मॉडल यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम 2 या 3 मंथ हो उसको वो प्रोजेक्ट, वो सिस्टम वापस करने का या उसको बना के देने का, तो उसके लिए हम रेड मॉडल यूज़ करते हैं. ठीक है, और ऐसे मॉडल जिसके अंदर या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमें उसकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पता हो, नाउन हो, तो हम रेड मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं. और जिसके अंदर क्या है, हम डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल, जैसे ये देखें, ये एक लाइफ साइकिल, ये 2 लाइफ साइकिल, इसी तरह हमारे पास जहाँ पे इस तरह का सिस्टम हो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. और जिस, और ये देखें, व्हेन टेक्निकल रिस्क इज़ लेस, ऐसे सिस्टम जो हमने बनाना है उसके अंदर टेक्निकल रिस्क जो है वो क्या हो, कम हो, उसके लिए भी हम रेड मॉडल यूज़ करते हैं. और जिसके अंदर ये देखें, ये फिर से उसने बता दिया है कि जिसका जो टोटल टाइम हो वो 2 या 3 मंथ हो, या जिसका बजट क्या हो, काफ़ी हाई हो, और वो डिज़ाइनर को जो हमारे पास या जिन्होंने बनाना है उसको भी अफोर्ड कर सकें, तब हम रेड मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये देखें, टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है, और रीयूजबिलिटी कंपोनेंट्स के, मतलब जो हमने कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हमने दोबारा यूज़ करना हो ये उसको भी इनक्रीज़ कर देता है. और किसी भी चीज़ का ओवरव्यू या रिव्यू के, मतलब एक चीज़ हमने बना लिया है और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, किस तरह, वो हम रिव्यू ले सकते हैं. और जो कस्टमर है उसका फीडबैक भी, तो ये हमारे पास, ये देखें. इसी तरह हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें, और उसके बाद जो हमारे पास हाई स्किल डेवलपर चाहिए, और डिपेंडेंसी भी बहुत होती है. तो ये सारे हमारे पास उसके डिसएडवांटेज हैं. इसके, अगर आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से गेट कर सकते हैं. तब तक अल्लाह हाफिज़. आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तब तक अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.